मां, स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं शाजापुर की खबरों की ओर। शाजापुर जिले के मोहन बड़ोदिया थाना क्षेत्र के ग्राम बिजाना में दलित समाज के वृद्ध दंपति और उनकी बहू के साथ मारपीट करते हुए हाथ पैर बांध कर खेत में फेंकने का मामला सामने आया है, जहां पीड़ितों का कहना है कि उनकी जमीन पट्टे की जमीन है जिसे कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने 2 साल के लिए लीज पर कर दिया था, जहां उस जमीन की संबंधितों ने धोखाधड़ी करके बिक्री पत्र बनवा लिया। अब जबकि उक्त दलित परिवार ने अपनी पट्टे की भूमि पर फसल की बोनी की तो दबंगों ने आकर पूरे खेत में बखर चला कर फसल को बर्बाद कर दिया। इसका विरोध करने पहुंचे वृद्ध पति पत्नी और उनकी बहू के साथ 4 लोगों ने मिलकर जमकर मारपीट की और उनके हाथ पैर बांधकर खेत में ही फेंक दिए। वहीं अब पूरे मामले में मोहन बड़ोदिया पुलिस आवेदन के आधार पर जांच करने की बात कह रहे हैं। ग्राम बिजाना निवासी सत्यनारायण पिता सिद्धनाथ ने बताया कि गांव में उन्हें 2.5 बीघा का पट्टा खेती करने के लिए मिला हुआ है। इस पर वे खेती करके अपना गुजर बसर कर रहे थे। कुछ वर्ष पहले उन्हें रुपयों की जरूरत पड़ी तो उन्होंने गांव में से एक व्यक्ति से कर्ज ले लिया। सत्यनारायण ने बताया कि इस कर्ज को चुकाने के एवज में उन्होंने अपने पट्टे की भूमि कर्ज वाले को 2 साल के लिए लीज पर दे दी। लीज का समय खत्म हो गया तो सत्यनारायण और उसके परिजनों ने मिलकर उक्त पट्टे की भूमि पर बोनी कर दी और इस बोनी के बाद खेत में अंकुर भी फूट गए। सत्यनारायण ने बताया कि मंगलवार को उसके पिता सिद्धनाथ 80 साल, पिता बेराजी, माता रेशमबाई 75 साल, पति सिद्धनाथ और उसकी पत्नी लीलाबाई, पति सिद्धनाथ खेत पर गए थे। इसी दौरान यहां पर गांव के लक्ष्मीचंद पिता कालूराम, सोनू पिता लक्ष्मीचंद, अरुण पिता लक्ष्मीचंद और ढालचंद पिता मदनलाल आ गए। इन चारों ने सिद्धनाथ, रेशमबाई और लीलाबाई को खेत से जाने के लिए कहा। वहीं खेत में ट्रैक्टर की मदद से पूरी फसल को बर्बाद करके खेत को बखर दिया। बेटे ने आवाज सुनी तो जाकर खोला। जब उक्त लोगों को फसल बर्बाद करने से रोकने का प्रयास सिद्धनाथ, रेशमबाई और लीलाबाई ने किया तो उक्त चारों ने इनके साथ मारपीट शुरू कर दी। बाद में सिद्धनाथ को पेड़ से बांध दिया, वहीं रेशमबाई और लीलाबाई के भी हाथ पैर बांध कर खेत में पटक दिया। साथ ही धमकी भी दी कि उनके साथ पूरा गाँव है, अब यदि ये दोबारा खेत पर आए तो उन्हें जान से मार देंगे। इसके बाद पूरे खेत में ट्रैक्टर चलाने के बाद चारों यहां से चले गए। खेत में बंधे हुए पीड़ित दर्द से चिल्लाने लगे। तभी उनकी आवाज सुनकर कुछ दूर जंगल से बकरी चरा रहे लीलाबाई का बेटा यहां पहुंच गया। अपने दादा दादी और माता को हाथ पैर बंधे हुए देखा तो उसने मोबाइल से सभी की फोटो और वीडियो बना लिए। इसके बाद उसने तीनों के हाथ पैर खोल दिए और सभी घर पर आ गए। थाने पर नहीं दिया किसी ने भी ध्यान। सत्यनारायण ने बताया कि इस घटना के बाद वे सभी लोग मोहन बड़ोदिया थाने पर शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंचे, लेकिन यहां पर पुलिस ने उनसे आवेदन ले लिया जिसकी प्राप्ति नहीं दी। सत्यनारायण ने बताया कि खेत पर कब्जा करने वालों ने दोबारा खेत पर जाने पर जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ितों ने बताया कि घटना के बाद डायल 100 को भी उन्होंने गांव पर बुलाया, लेकिन डायल 100 वाहन भी ग्रामीणों से ही मिलकर वापस लौट गए। उनकी फरियाद सुनने वाला कोई भी नहीं है। पीड़ित का पक्ष का कहना है कि उन्होंने पूर्व में भी मामले की शिकायत की थी, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इनका कहना है कि इनका मामला लंबे समय से चल रहा है। ये कहते हैं कि जमीन इनकी है, कब्जा दूसरों ने कर रखा है। मामले में आवेदन लेकर जांच की जा रही है। महिला थाना का शुभारंभ हुआ, दूसरी तरफ कांकड़ी बिजाना में एक महिला को बंधक बना के उसको प्रताड़ित किया गया है सर। और सूचना देने के बाद भी मोहन बड़ोदिया थाना पुलिस वहाँ टाइम से नहीं पहुँच पाई थी। ये प्रकरण मेरी जानकारी में नहीं है। देखिए, मैं इस चीज़ पर तो बहुत, मैं खुद भी शर्मिंदा हूँ कि इस प्रकार की जब घटनाएँ होती है और बुजुर्ग महिला और ये बेचारे भटकते रहते हैं और माँ की जो स्थानीय पुलिस है वो कार्रवाई नहीं करती है तो बहुत बड़ी शर्मनायक बात है। आज ये बेचारा जो बिजाने गांव के है सिद्धनाथ, इनके साथ जो इनकी ज़मीन तोड़ी गई और इनकी बहू के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, माता के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, इनको हाथ पैर बांध के माँ खेत पर पटक दिया, इनके साथ लात दूसरे से मारपीट हुई और ये आज इनकी कार्रवाई के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है। एजे के थाना से लगा करके एसपी तक, बड़ोदिया थाना से लगा करके एसपी तक, तो ये इनके क्या अभी तक इनकी कान में जूनी रहेंगी है। तो मेरा कहना है प्रशासन से कि और तो हुआ जो सब ठीक है, पर तुम तो बंद करो दलितों पे अन्याय। ये खुद ही करते हैं, पुलिस वाले अन्याय अत्याचार करते हैं। अगर ये अत्याचार नहीं करते तो मैं रिपोर्ट लिख लेते, इनको भटकने की जरूरत नहीं रही। आज 3-4 दिन के ठोकर खा रहे हैं।
इनके पास ना किराए का पैसा है ना खर्चे का पैसा है, बेचारे ये भटक रहे हैं दर दर की ठोकर। आपने न्याय मांगने के लिए ये यहाँ आए एसपी साहब के यहाँ, आपने भगवान समझ के आते हैं ये, और यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन से एसपी महोदय से कि तत्काल संज्ञान में ये चीज़ को ले और उनके घर सख्त से सख्त मुकदमा दर्ज करें और कानूनी कार्रवाई का आप काम करें। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम है राधेश्याम मालवी, मैं समाज सेवी हूँ और ये मेरे समाज के है, मैं तो दलित समाज के लिए खड़ा हूँ। लीला भाई है, हम जब खेत पे काम कर रहे थे मेरे सास मेरे ससुर और मैं, तो वो आए तो अरे मेरे की सब जमीन बो ही चुकी थी, कोई भी नहीं था वहाँ। आए तो उनने हमारा ससुरा के पहला तो उनके वाकई कर ही रहा था कि हमारा खेत में नींद खोती रही, तो आप क्यों नींद खोती रहा था हमारा खेत है उनके जिन क्या हमारे, तो हम बोला कि हमारा खेत हमने बोई थी, फिर तो हमारा खेत कहाँ से था सिकारी उनने, और हाँ ससुरा के दो चार लात की थी और हमको टुआल छीन के उनके घोर का भी पेट से बांध दी। मैं सासू के पापड़ी बोली कहीं कहीं करो बूढ़ा आदमी का साथ में नहीं था, मैं सासू के भी दो चार दी इनका हाथ बांध के उन्होंने दौड़े तरफ फेंकी थी। हमारा साथ में घटना हुई जो कि हमारी साड़ी एड़ दी मार खींचा खींचा भरिया चूड़ा चूड़ी सब चढ़ दिया, हाँ जो टोकरा टोकरी नहीं रहे टाइम पर तो कति कर कहीं करें हमारी साथ में क्या दुर्घटना हुई हमारे साथ में नहीं हो कुछ खूब भागा भागा फरिया माँ के जरूर कोई भी सुनवाई नहीं करे हमारी बड़ोदी थाने पे भी कोई सुनने के लिए कोई सुनवाई नहीं करे हमारी। क्या घटना हुई? साथ में सारी घटना हुई, हम खेत पे गए साहब चारो खाता था तो वो खेती बारा था है? तो सर मेरा दर जोड़ दौड़िया तो मेरी बहू दौड़ी मेरे पास कि मेरे सासू क्या कर रहा है, तो मेरी बहू के भी हाथ पग पकड़ लिया इसके बाद दी खेत में लात मुका दी, मेरे भी साहब लात मुका के दिया आना हमारा हाथ पग बांध दी हमारे खेती फसल नष्ट कर दी। हाँ खेत लेने था हम मालूम लक्ष्मीचंद डालू सोनू अरुण। अच्छा क्या कुछ घटना हुई आपके साथ में? हमारे खेत में सर हम चारा उखाड़ रहे थे और वहाँ पे ही आए ट्रैक्टर लेके सोयाबीन बहाने लगे, हमने उनके नाराज हो गए हमारे फसल में तोड़ दिया ऐसा मत करो, तो उन्होंने मेरे को बांध दिया साहब रात रात की थी जो कभी मजा एक बोर का पेड़ है ऐसे पतला सौ से मेरा हाथ बांध दिया मेरा चोटवाल से है? सोनू ने और सोनू डालू दीन दलाल लक्ष्मीचंद ये सब साथ में ही था हुई आपकी नहीं हुई नहीं कोई खबर नहीं ली हमारी कहीं नहीं पूछी नहीं के कहाँ तुम्हारे घर निकला कि नहीं निकला तो कहाँ हमारे उन्होंने तलवार की थी कि कोई शस्त्र की थी कि जो खून निकले हमारे मौका लात की मौका से कहीं खून निकले कहीं